सुकमा में नक्सलियों के पुल को बम से उड़ाने की कोशिश नाकाम हुई है। सीआरपीएफ कोबरा से मुठभेड़ भी जारी थी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा में टीसीओसी के दौरान माओवादियों ने एक पुल को बम से उड़ाने की कोशिश की थी और गुरुवार को इंजरम से भेजी जाने वाले रास्ते पर बने पुल को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि पुल पर लगाए गए बम की क्षमता कम होने की वजह से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और घटना के तत्काल बाद ही मौके पर सीआरपीएफ 219 और डीआरजी के जवान पहुंच गए, जिसके चलते नक्सली पुल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो वहीं पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होने की वजह से आवागमन में भी कोई खास बाधा नहीं आई है और मौके पर पुलिस बल तैनात होकर सुधार कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार सुबह तड़के सुकमा जिले के ही किस्टारम क्षेत्र के पोटकपल्ली में सीआरपीएफ कोबरा 208 बटालियन की गश्त के दौरान माओवादियों में मुठभेड़ हुई। आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगलों की ओर निकल गए। तो वहीं मुठभेड़ में शामिल कोबरा के जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्होंने मौके से नक्सलियों का सामान भी बरामद किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद बरामद सामान की जांच की जा रही है और मुठभेड़ के बाद मौके पर सर्चिंग भी बढ़ा दी गई है। बस्तर आईजी के अनुसार नक्सलियों के टीसीओसी के दौरान जवान पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और यही वजह है कि माओवादियों की दहशत फैलाने की तमाम कोशिशें लगातार विफल हो रही हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई और मौके से नक्सलियों का सामान भी बरामद कर लिया गया है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक पुल को उड़ाने की साजिश की गई थी। पुल को उड़ाने के इरादे से बम को भी लगाया गया था। हालांकि बम ज्यादा मात्रा का नहीं था, इसी वजह से पुल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत क्षति हुई है लेकिन आवागमन बाधित नहीं हुई है। पुल से लोगों का आना जाना जारी है लेकिन यहां पर पुलिस बल की सर्चिंग ऑपरेशन और तेज कर दी गई है। इलाके में छिपे नक्सलियों की भी तलाश की जा रही है और मुठभेड़ के बाद से ही लगातार मौके पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।